ये ढाबा है यहाँ पे, अभी रुके हैं। और ये देखिए इसका एक्सप्रेस, यहाँ पे आज रात में सोए थे इस चौकी पर। रात में ठंड नहीं लगी थी, लेकिन जब 5 बजा उस टाइम हमको जाल लगना शुरू हो गया। और ये इसको बैग पीछे का द्वार है, हमने क्या है कि सरिया बौद्ध स्तूप है जो हम आपको बताने वाले हैं थोड़ी देर में। ये इसका नाम है ढाबा का ग्रामीण विकास, सॉरी ग्रामीण महिला विकास चैरिटेबल ट्रस्ट के अंदर आता है। ड्राइवर लाइन होटल है, आप यहाँ पे खाना वाना और खाना भी खा सकते हैं। और यहाँ बहुत सारे ड्राइवर लोग रुक भी जाता है, देख रहे हो। शाम तक बोल रहे हैं आपको, वहाँ तो वहाँ चलेगा थोड़ी देर में, तब तक इधर दुखा दे तो चाय हो जाए। और इसके बाद निकलते हैं थोड़ा आगे की ओर, जो सामने दिख रहा है बौद्ध स्तूप, और जस्ट उसके सामने एक होटल है, आप यहाँ पे खाना वाना खा सकते हो और थोड़ी देर के लिए आराम कर सकते हो। तो चौकी है, चेयर है, कुछ सब कुछ है यहाँ पे। तो अभी जस्ट हम फ्रेश हुए हैं, और क्योंकि बहुत लेट तक हम जग गए थे ना, बहुत लेट तक वीडियो एडिट कर रहे थे, हमको लगभग 1 बज गया था हमें। ठीक है, अभी जगे हैं लगभग 6:30-7 बजे के आसपास जगे हैं, और अभी चाय पी लेते हैं, फिर सुबह चलते हैं थोड़ा सा देखते हैं। चाय बढ़िया है, यही है हम लोगों का लाइफ, यही है कि जहें शाम तहें सवेरा, फिर नया जगह का नया बसेरा। तो बहुत लाइट जिधर आ रही है, क्योंकि अभी टाइम हो गया है 7:30 हो रहा होगा, अभी घड़ी मेरे पास नहीं है और फोन में वीडियो बना रहे हैं तो अभी घड़ी नहीं शो करता है। तो ठीक है, 7:30 के आसपास टाइम हो रहा है बस। अभी तो गेट भी शायद नहीं खुला होगा, अब पता नहीं कब खुलता है, जाके पूरा इन्फॉर्मेशन आपको हम बताते हैं। नाश्ता करने और नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं केसरिया का जो स्तूप है वो दिखाते हैं। यहाँ दिख रहा है स्तूप, वो दिख रहा है, ये रहा रहे? तो ये होटल है, और होटल में हम खाना खा रहे हैं, उसके बाद में जस्ट हमारे बगले में स्तूप है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ठीक है, तो नाश्ता पानी कर लिया जाए, फिर आप हम आपको दिखाते हैं। ये पानी है, देखिए भूख तो नहीं लगी है, लेकिन थोड़ा नाश्ता कर लेते हैं ताकि जब हम जाएंगे वीडियो बनाने के लिए तो हमको जल्दी वापस नहीं आना होगा, थोड़ा आराम से भी आएंगे तो वो काम चल जाएगा। तो ये देखिए पूरी है, सब्जी है, और ये पानी है। मुझे पानी थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि थोड़ा टेस्ट इसका हल्का सा अलग आ रहा है। तो ठीक है, कोई इशू नहीं है, पानी है पी लेते हैं, क्योंकि अलग अलग जगह का अलग अलग पानी का टेस्ट होता है। तो ठीक है, ये भी एक अपने आप में एक्सप्लोरिंग है कि आप किस तरह का पानी कहाँ कहाँ तक आप पी सकते हो। बहुत लोग नहीं पी पाएगा क्योंकि इसका हाल टेस्ट थोड़ा सा अलग है। तो ठीक है, बैकग्राउंड में होटल दिख रहे हो आप, और अभी अभी बहुत कम गाड़ी आ रही है, तो होटल वालों को आज का मन उदास है क्योंकि आज बंद है। तो जब होटल बंद होगा, आई एम सॉरी, जब रोड बंद होगा तो होटल भी तो नहीं चल पाएगा। देखिए अभी हम चल रहे हैं बौद्ध स्तूप के पास, जो ये केसरिया में लोकेटेड है। और यहाँ पे आने के लिए हम आपको बता दें, या अगर आप फ्लाइट से जाते हो तो उतरना होता है पटना, फिर पटना के बाद वैशाली, लेकिन अभी के डेट में जो वैशाली का एयरपोर्ट है वो अभी बंद है, क्योंकि अब देखिए वो कब शुरू होता है। तो उसके बाद अब रह गया ट्रेन, तो ट्रेन से अगर आप आते हैं तो आपको उतरना होगा मोतिहारी या चकिया, फिर उसके बाद आप कोई भी सवारी कीजिए, अब यहाँ पे आ सकते हैं। केसरिया एक जगह है, फिर वहाँ उतरना होता है, फिर केसरिया चौक के बाद से आपको यहाँ आना होगा। केसरिया बौद्ध चौक से लगभग ये 2 किलोमीटर का ये एरिया है। देखिए सामने आपको एक बोर्ड दिखेगा, बुझेगा सरिया स्तूप, और वो सामने दिख रहा है, सामने गवर्नमेंटली होटल है,
इसे आप बुक कर सकते हो ऑनलाइन, लेकिन अभी चालू नहीं हुआ है, अभी इसमें कंस्ट्रक्टर अभी कंटिन्यू है। हो सकता है कि अंदर क्या कुछ और भी काम हो रहा होगा, चाहे अब जो भी काम हो रहा है, हम बात किए गार्ड से तो बोल रहा है कि अभी चालू नहीं है। मे भी ये देखिए कब तक चालू होगा, अगस्त तक चालू हो सकता है। और ये बोर्ड हम आपको दिखा दिए हैं, बिहार टूरिज्म का ये बोर्ड है, बौद्ध स्तूप के सरिया वहाँ भी एक बोर्ड है। और अब आपको निकलते हैं अंदर, बिहार जो बंद है ना उसकी वजह से यहाँ रोड बहुत खाली दिख रहा है, धीरे धीरे खाली है कि नहीं। लेकिन अगर बिहार बंद नहीं होता ना, जैसे हम कल आए थे तो कल इस रोड को पार करने के लिए आपको वेट करना होता था लोग बाहर एक मिनट 30 सेकेंड 40 सेकेंड। ये देखिए भैया ये अपना काम कर रहे हैं, और यही हमको कल बताए थे कि आप उधर रह सकते हो। और हम चलते हैं अंदर, तब तक इससे पहले हम यहाँ बात कर लेते हैं। कैसे भैया, आप ही ना हमको कल बताए थे कि यहाँ जाके खाना खा लीजिए और रह लीजिएगा। हाँ उसी में थे। नहीं, हाँ किसी को अच्छा बात बताना तो गए वहाँ पे तो खाना ना खाएं, हम बोलेंगे हम यूट्यूबर हैं और हम रुकते हैं, फिर हम कहीं और जगह जाते हैं, तो बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं है आप यहाँ पे रह सकते हैं। तो हम वहाँ पर रह गए और जब 8-9 बज गया तो हमको एक चौकी दे दिया, बोला कि अभी आप चौकी मत सोइएगा क्योंकि अभी कस्टमर लोग आएगा, जब लोग नहीं आएगा ना तब आप सो सकते हो। दुकान आपका है, कब से की है दुकान? ये हमारा तो 2007 से दुकान। 2007 से, चलो 2023 समझिए कितने साल हो गया। आप यहाँ पे क्या क्या सर्विस है? हम तो पहले दुकान किए थे तो ठेला लगा, चौकी छोटा लगा करके काम किए, वहाँ लगाए यहाँ लगाए। हाँ। उसके बाद थोड़ा थोड़ा बढ़ाए, तब गुमटी लिए, गुमटी लेकर के तब का किए पाझा गिराए, तब पाझा गिरा करके तब ये सब रखना था, लाइन वाइन खिंचाना था। हाँ। इसको ठंडा रखना था, पर्यटक आता है। हाँ। तो ठंडा चाहिए, कोल्ड ड्रिंक चाहिए हमको। हाँ। तो ये सब करे हैं, तब इसको घेर करके बनाए, तो ये राम जानकी का है, भारत सरकार का है, महीना मंदिर में नहीं जाता है राम जानकी में। हाँ। महीना पर रहते हैं इस तरह नहीं। हाँ। ये बिहार भारत सरकार का है ये सब। हाँ, यानी आपको जो दुकान है वो मंदिर में है अगर देखा जाए तो, लेकिन भले ही आप लगाए हो कोई बात लगाए से लगा दे। हाँ ऐसे लगाए थे, लेकिन हाँ वो बाद में वो अगर कुछ बोले तो ठीक है ना, हटा लेंगे। हाँ आपका नाम क्या हुआ सर? हमारा नाम है विनोद गुप्ता। विनोद गुप्ता, आप कहाँ के रहने वाले हैं? इसी जगह के। गाँव का नाम क्या हुआ आपका? लाला छपरा। लाला, हाँ लाला छपरा जस्ट आगे है। हाँ सामने है। और यहाँ पे खाने में क्या क्या मिलता है? हम बनाते हैं खस्ता बनाते हैं, और लिट्टी सब्जी और समोसा वोसा बनाते हैं, यही सब तैयारी कर रहे हैं। देखिए आप वही मिलता होगा, पकौड़ी उकौड़ी सब बनाते हैं, सब टाइम टाइम से बनाता है। अभी तो लीची का टाइम है, लेकिन आज डेट का है, बच्चा मेरा चला गया पटना पढ़ने। अच्छा, वो आता था थोड़ा पढ़ करके, थोड़ा सुबह में खुलता था। हाँ, तो आपको हेल्प मिलता है? अब हमको नहाना है। हाँ। स्नान कर यहाँ आना, इस तरह आना नहीं है। हाँ। तो यही बात है जो सफाई सुथरा से। अच्छा एक चीज बताइए, हम लोग जहाँ हम लोग जहाँ जहाँ जाते हैं घूमने जाते हैं, तो जहाँ पे टूरिस्ट प्लेस होता है तो लोग चार्जेस ज्यादा लेते हैं, जैसे मान लीजिए स्प्राइट का चार्ज है कितना, 45 रुपया। हाँ। तो वहाँ पे लोग लेगा 55-60 लेता है। आप लोग कितना चार्ज करते हैं? हम तो होता ही 45, चाहे 10 रुपया लोकल से देते हैं। हाँ। अब उसको भी 10 रुपये में देते हैं, काहे के लिए हमको यहाँ रहना है, बिल्कुल यहाँ से जाना नहीं है, तब ना आज इतना इसी आगोर का है जगह। क्योंकि हम लोग एक्सपीरियंस थोड़ा ठीक ठाक है, हम लोग जहाँ भी जाते हैं ना तो हम फील करते हैं कि भाई नहीं इसका दाम जितना है फिर इतना ले जाते। हम कहते हैं जय आप हमारे गाँव का हो चाहे बाहर का हो, एक रेट लेना चाहिए, लक्ष्मी सब बराबर है। हाँ। सब कस्टमर को एक माना जाता है, हम लोग यही सोचते हैं कि हमारे लिए सब आदमी बराबर है, आप भी बराबर हैं। हाँ। और वो भी बराबर है, इसीलिए हम सोचते हैं कि किसी से 10 रुपये बेसी नहीं कम। हाँ तो दोस्तों देखिए, अगर आप यहाँ पे आते हो केसरिया बौद्ध स्तूप के पास तो यहाँ पे सब कुछ है। ये देखिए ये है, ये पूरा अभी मतलब फ्रेश माल है, आप टेस्ट कर सकते हो। और भैया से हम बात किए ना तो ये बोले हैं कि हम कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करते हैं, तो आपको क्योंकि नॉर्मली टूरिस्ट प्लेस पर एक्स्ट्रा चार्ज दिया जाता है, क्योंकि हम लोग घूमते हैं तो हमको पता है,
तो लेकिन ये भैया से पूछे तो बोले नहीं, हम भी गए थे कि हम बता रहे कहाँ गए थे, समस्तीपुर दवा के लिए माँ को मेरे पैरालिसिस मार दिया था, समझे? तो पैरालिसिस मार दिया था, तो हम स्टेशन पर गए ना समस्तीपुर, हमसे बोला 10 रुपये सामान का 15 रुपये बोला, तो हम कहने अरे भाई हम लोग भी वैसा जगह पर है तो किसी से पैसा बेसी नहीं लेते हैं, और सब देश का मेरे पास चाय पीता है, सब देश से बनाए, थाई, बर्मा, कोरिया, श्रीलंका, सब देश का, और सब मेरे पास आएगा, संपर्क बनाए हैं तभी ना मेरे पास आता है, एक बार बोलेगा 200 चाय बनाओ, 100 बनाओ, मुझे जितने कंटेंट में जितने लोग आता है ना, हाँ उतना चाय बनाओ, तभी ना बनाए हैं तभी ना हमारे पास आता है, बिल्कुल बिल्कुल, बोलेगा रास्ते में से फोन करेगा भैया फलना जगह आए हैं, इतना हमारे लिए तैयारी करना है, लेकिन हम लोग तो 3 साल पीछा हो गए, 3 साल में क्लाइंट बहुत कम आया, अच्छा अच्छा, बहुत कम आया क्लाइंट, पहले था तो आता था तो लाइन लग जाता था गाड़ी का स्टैंड, तो हमारे बनाते बनाते सबसे ज्यादा कब लोग आते होंगे? अभी तो सीजन खत्म हो रहा है, अच्छा, अगस्त से श्रीलंका चालू होगा, श्रीलंका मतलब श्रीलंका देश का, अच्छा श्रीलंका लोग आता है, चला हाँ, श्रीलंका पहले चालू होगा अगस्त, अभी तो सब देश आ रहा था, थाई, बर्मा, कोरिया, श्रीलंका, अभी पैदल ये भी जतरा आया था, इसमें ठहरा था, तो सब आता है, लेकिन अब गर्मी आ गया, ठंडा में खूब चलता है, तो अगस्त से चलेगा और अप्रैल तक फिर चलेगा, अप्रैल आएगा लेकिन थोड़ा बहुत आ रहा है, ही नहीं आ रहा है ग्रुप पर, आ ये रहा है, लेकिन पहले जितना आता था उतना नहीं आ रहा है, अभी इस साल जोड़ करके आ रहा है, बीच में फिर हाला हो गया था जब बीमारी बढ़ गया, कितना क्लाइंट का कैंसिल वीजा हो गया, इसी का चलते, लेकिन 20 साल तो कम बेस चला, जो चला सो अच्छा ही चला। अच्छा, जैसे कि आपने बताया है कि हम चाय बनाते हैं अलग अलग कंट्री का भी, हाँ। तो उसका भी चार सेम है, या अलग है? सेम है। तो उसमें हम वही बताइए उसका टेस्ट क्या समझ, मान लीजिए हम बोलते हैं कि हम इंडिया से, तो हम चाय बने इंडियन, अब कोई बोलता है कि हम श्रीलंका से, चाय कोई भी अदर देश से, तो श्रीलंका वाला अपना काली चाय पीता, अपने से बनाकर लाता है, बर्मा है, थाई है, कोरिया है, मेरे पास बोलेगा तो क्या डालते, क्या अदरक डालते हैं, इलायची डालते हैं, ये सब डालते हैं, दूसरा कुछ नहीं, हम काहे के लिए गलती बोलेंगे। तो मैंने मेरा ये भी क्वेश्चन है कि दोनों का टेस्ट सेम लगता है कि थोड़ा अलग लगता है? सेम लगता है, और वो बोलता है सब जो है इस तरह बनाओ, तो वो अपने भाषा में बोलता है बर्मा वाला लफे तामला, लफे तामला, तो वो लफे मैंने समझ गए हैं क्या मतलब है, क्या मतलब है लफे, मतलब लफे तामला का मतलब चाय हो गया उसके भाषा में, अच्छा, तो हम लोग यहाँ बहुत दिन से तो समझबे करेंगे, सब देश का भाषा थोड़ा थोड़ा जानना जरूरी है, जैसे बोल गया है यहाँ छोटा छोटा लड़का वहाँ का सब उसका भाषा सीख लिया है, हाँ। तो हम भी 10-15 साल हो गया तो जरूर सीखना जरूरी है जी, ठीक है, तो ये यहाँ पे जितने लोग हैं ना, ये इंडियन के साथ साथ विदेशी लैंग्वेज भी जानते हैं क्या भैया? टेक्नोलॉजी पढ़ा लो, भविष्य में नौकरी नहीं लगी तो कमाई माने क्या बेच रहे दादा, क्या बेच रहे है, बोलिए बुआ जी क्या बेच रहे है? ये देखिए चटपटा है, चटपटा देखिए, चटपटा है, कितने कितने मिलता है अभी? बिजी है, चलते हैं आपको अंदर, ये देखिए रोड बाहर, अभी दिखा रहे हैं बाहर साइड का रोड तो चल रहा है, लेकिन उतना नहीं चल रहा है क्योंकि आज बिहार बंद की वजह से बहुत रेयर केस चल रहा है, लेकिन नॉर्मली हम सिर्फ बस देख रहे हैं, हम ट्रक बहुत कम देखे हैं। अब चलते हैं अंदर, ये मेन गेट है और ये पास करके हमको निकलना होता है, क्योंकि ये पैदल के लिए होता है, अगर आप बड़े आदमी हो कार लेके आते हो तो आपको ये गेट खुलेगा, तो चलते हैं अंदर। सर्वे ऑफ इंडिया इसको 1998 में इसको प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट का दर्जा दिया है, ये घर है, ये इलेक्ट्रिसिटी पावर यहीं से मिलता है, देख लो अंदर से, इस घर में एसी भी लगा है, ये सही लग रहा है कि ये ऑफिशियल पर्पस के लिए है, इसमें पूछते अंदर जा सकते कि नहीं, एक्सक्यूज मी सर, इसके अंदर हम जा सकते कि नहीं, इसके अंदर नहीं जा सकते, ये ऑफिस है, भीतर ही फोटो देख सकते हैं, अच्छा हाँ वही मेरे पूछने का मतलब था, तो अभी अंदर जा रहे हैं, देख रहे हैं कि अंदर क्या क्या है, तो कितना शानदार बनाया भाई,